अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दिए ताकि गार्डनिंग से जो भी रिलेटेड वीडियो रहेगा आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए आज हम बात करेंगे थाईलैंड का ऐसा पांच वैरायटी बतला रहा हूँ जो आपको गमले के लिए सबसे अच्छा भी है, अच्छा टेस्ट में भी अच्छा रहेगा और काफ़ी हैवी फ्रूटिंग भी करता है और गमले में अच्छी तरह से सूटेबल भी है। वैसे देखा जाए तो थाईलैंड का 70% वैरायटी ऐसा है जो आप गमले में इजी ग्रो भी कर सकते हो, उसमें अच्छा फ्रूट भी ले सकते हैं। पर जो पांच मैं आपके लिए चुन के लेके आया हूँ, ये पांच काफ़ी अच्छा हैवी फ्रूटिंग करने वाला प्लांट है और गमले में काफ़ी कम देखभाल में भी इसमें अच्छा फ्रूटिंग हो जाता है। तो ये पांच काफ़ी अच्छा वैरायटी है और गमले के लिए सबसे बेस्ट और एक अच्छा वैरायटी है। तो जो पहला नंबर पर है वो है आपका महाचनक मैंगो। महाचनक मैंगो देखा जाए तो थाईलैंड का काफ़ी अच्छा वैरायटी में से एक वैरायटी माना जाता है और ये गमले में काफ़ी अच्छा ईजी ग्रो भी है और काफ़ी अच्छा हैवी फ्रूटिंग करने वाला प्लांट भी है और इसका जो टेस्ट होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है और देखेंगे इसका सीड तो काफ़ी ज़्यादा पतला भी होता है। तो ये काफ़ी अच्छा वैरायटी है गमले के लिए। हम महाचनक मैंगो तो अभी के डेट में देखा जाए तो हर आदमी को हर गमले में एक नए महाचनक मैंगो लगाना चाहिए अगर वो गार्डनर है तो। काफ़ी अच्छा वैरायटी है और काफ़ी बेस्ट वैरायटी भी है। अब जो दूसरा नंबर है वो है दूसरा नंबर है आपके काटीमन मैंगो। काटीमन मैंगो के तो अभी के बारे में कौन नहीं जानता है इंडिया में, हर कोई अभी के डेट में इंडिया में काटीमन मैंगो के बारे में जानना चालू कर दिया है। काटीमन काफ़ी अच्छा वैरायटी है गमले के लिए और टेरेस गार्डनर के लिए तो काफ़ी बेस्ट में से एक वैरायटी माना जाता है। तो एक ने काटीमन मैंगो भी अपने छत पे गार्डन में ज़रूर लगाइए अगर नहीं लगाए तो। अक्सर 100% लोग जो भी गार्डनिंग करता हो तो काटीमन मैंगो उसको छत पे मिलेगा ही मिलेगा, मगर आप लोगों में से अगर किसी ने नहीं लगाया तो एक ने आप काटीमन मैंगो अपने छत पे गार्डन पे ज़रूर लगाइए। काफ़ी अच्छा वेराइटी ऑल टाइम मैंगो में आता है और काफ़ी अच्छा स्वीट मैंगो होता है। अब जो आपका तीसरा नंबर है वो है आपका नामडॉक माई मैंगो। देखिए नामडॉक माई मैंगो का तो चार वेराइटी, मगर जो दो वेराइटी बोलता हूँ वो दो वेराइटी में से कोई भी एक वेराइटी मिलता है तो आप गमले में लगा सकते हैं। पहला जो आपका नामडॉक माई नंबर का जो फोर वेराइटी है वो गमले के लिए काफ़ी अच्छा सूटेबल भी है और काफ़ी बेस्ट वेराइटी भी है और गमले में काफ़ी अच्छा फ्रूटिंग भी करता है। पर अगर वो वेराइटी आपको नहीं मिलता तो आप ओरिजिनल जो नामडॉक माई मैंगो है वो आप लगा दे सकते हैं। दोनों का जो टेस्ट है सिमिलर भी है, फ्रूट भी सिमिलर ही दिखता है। तो सबसे अच्छा जो होता है वो नंबर फोर ही लगाइए। अगर नंबर फोर कोशिश कीजिए, मिल जाए तो अच्छा है, नहीं मिलता तो आप ओरिजिनल भी लगा सकते हैं। और जो हैवी फ्रूटिंग करता है वो नंबर फोर ही करता है। अब जो आपका चौथा नंबर पे है, चौथा नंबर पे जो आपका मैंगो है वो है आपका गोल्डन क्यून मैंगो। गोल्डन क्यून काफ़ी अच्छा वैरायटी है और एक ये भी एक हाइब्रिड वैरायटी में है और ये छत के लिए और गार्डन के लिए काफ़ी अच्छा वैरायटी होता है। इसका जो वज़न होता है वो आपका 700 ग्राम से लेके आपका 1400 ग्राम वज़न चला जाता है और काफ़ी अच्छा वैरायटी होता है। टेस्ट भी इसका काफ़ी अच्छा होता है। इसका कलर जो होता है ना वो काफ़ी सुंदर लगता है, ग्रीन कलर होता है और ऊपर से पक जाने के बाद हल्का हल्का पिंकी कलर पे आ जाता है जो काफ़ी अच्छा सुंदरता बढ़ा देता है गार्डन में लिए। ऐसा नहीं कि ग्रीन मैंगो आपको गार्डन में सुंदरता नहीं बढ़ाएगा, मगर ये जो होता है ना काफ़ी अच्छा सुंदरता बढ़ा देता है। जब ये पकने के समय में आता है ना तो इसका जो ऊपर का जो भी जगह होता है उस पर हल्का हल्का पिंकी लाल कलर इस पर दिखना चालू हो जाता है, जिसके कारण ये होता है काफ़ी सुंदर दिखने लगता है मैंगो और काफ़ी अच्छा फ्रूटिंग भी करता है और गार्डन के लिए और छत के लिए काफ़ी अच्छा वैरायटी भी है। काफ़ी कम देखभाल करने में भी इसमें अच्छा फ्रूटिंग भी होता है और काफ़ी बेस्ट वैरायटी में से एक वैरायटी ये भी माना जाता है जो गमले में ईजी ग्रो भी हो जाता है। तो गोल्डन क्यून अगर आपको मिलता है इंडिया में तो ये भी आप प्लांट लगा सकते हैं। ये भी थाईलैंड का काफ़ी अच्छा वैरायटी है, काफ़ी मशहूर वैरायटी है। अब जो आपका पाँचवा नंबर पे है, पाँचवा नंबर पे आपका UN6 मैंगो है। UN6 देखा जाए तो अभी के डेट में काफ़ी अच्छा नया वेराइटी है, हो सकता है इंडिया में मिले या ना मिले कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है एक साल बाद आपको मिलना चालू भी हो जाएगा। जो UN6 मैंगो है काफ़ी अच्छा वेराइटी है। ये मैंगो आपका देखेंगे तो मियाजाकी और गोल्डन क्यून ये दोनों का क्रॉस करके तैयार किया गया ये मैंगो है और ये मैंगो काफ़ी अच्छा सुंदर भी दिखता है और इसका फलन भी काफ़ी अच्छा होता है। इसका वज़न भी होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है, एक किलो से लेकर आपका देखेंगे 1.5 किलो तक इसका वज़न भी चला जाता है और इसका कलर काफ़ी अच्छा सुंदर लाल कलर में आता है। इसका टेस्ट भी होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है और सीड भी इसका काफ़ी छोटा पतला भी होता है। तो UN6 है, UN6 भी काफ़ी अच्छा वैरायटी गमले के लिए, गमले में इसको लगा सकते हैं, गमले में या कंटेनर में। अगर आप कंटेनर में लगाएंगे तो काफ़ी अच्छा फ्रूटिंग भी करता है और काफ़ी सुंदर भी लगता है देखने में मैंगो और काफ़ी अच्छा वैरायटी है। तो अगर आप गार्डन में या छत पे लगाना चाहते हैं तो UN6 का भी आप अपने छत पे या गार्डन में इसको जगह दे सकते हैं, इसको लगाने के लिए काफ़ी बेस्ट और एक अच्छा वेराइटी ये भी माना जाता है। जो ये पांच वेराइटी आपको बोला हूँ ना, ये पांच वेराइटी काफ़ी बेस्ट और एक अच्छा वेराइटी है जो गमले के लिए और गार्डन के लिए काफ़ी अच्छा सूटेबल वेराइटी है। अक्सर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा वेराइटी विदेशों में ऐसा बहुत सारा वेराइटी है जो लगाया जाता है, मगर जो पांच वेराइटी है थाईलैंड का काफ़ी मशहूर वेराइटी होता है जो गार्डन में लगाने के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। गार्डन और छत पे लगाने के लिए काफ़ी बेस्ट और एक अच्छा वेराइटी। जिन लोगों का जगह नहीं होता, उन लोग का शौक रहता है प्लांट लगाने के लिए कि छत पे
तो आप ये वेराइटी लगा सकते हैं, आप ये वेराइटी लगा के उसमें काफ़ी अच्छा फ्रूटिंग भी ले सकते हैं और काफ़ी ईजी भी ग्रो है। तो आप चाहिए तो ये पाँच में से अगर आप किसी भी कोई भी वेराइटी लगा कर गार्डन में अच्छा फ्रूटिंग भी ले सकते हैं। कि आपको पाँचों वेराइटी चाहे लगाना है तो आप पाँचों वेराइटी भी आप लगा सकते हैं अपने गार्डन में, काफ़ी बेस्ट और एक अच्छा वेराइटी होता है। तो ऐसा ही अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और लाइक कर दिए ताकि गार्डनिंग से जो भी रिलेटेड वीडियो रहेगा आपको मिलता रहेगा। जब तक के लिए बाय बाय।